हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने जाऊंगा कुछ खास चीज जो तमिलनाडु में बहुत ही फेमस है। अभी मैं बताऊंगा क्या है वो चीज। दोस्तों, देख सकते हैं हमारे पीछे जो सिस्टर खड़ी है, ये बनाते हैं फिश कॉटलेट और फिश फ्राई। बहुत बहुत काफी भीड़ रहती है दोस्तों शाम के टाइम यहाँ पे। अभी शुरू हुआ नहीं भीड़, जब आएंगे लोग तो बहुत बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा क्राउड होता है यहाँ पे। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया आप लोगों को, ताकि क्राउड नहीं, फिश फ्राई और फिश कॉटलेट कैसे बनाते हैं वो दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बैक कैमरा से अच्छे तरीके से। तो देखिए दोस्तों, ये कॉटलेट बन रहा है। एक प्लेट कॉटलेट है मेरा, फिश कॉटलेट इधर फ्राई के लिए रखा हुआ है, अभी निकाला नहीं है। सिस्टर उधर दिखाना, अरे वो फिश दिखाओ बोल रहा हूँ, फिश। अरे मैं फिश दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं कॉटलेट का प्लेट लगा के रखा हुआ है। ये हाफ फ्राई होगा ना सिस्टर, ये हाफ फ्राई किया हुआ है ना? हाफ फ्राई। हाँ, ये हमारे अंकल जी हैं, यहाँ काम करते हैं। ये देखिए मसाला कुछ इस तरीके से, ये सब होममेड मसाला रहता है। प्याज कटा हुआ है, यहाँ पुदीना और धनिया है, इसके अंदर भी फिश है मेरे ख्याल से, इसके अंदर भी फिश है देख सकते हैं, और इसमें भी फिश है ना सिस्टर? इसमें भी फिश है ना, ये ड्रम में फिश है। और हमारे सिस्टर बहुत अच्छे तरीके से बनाती हैं, देख रहे हैं क्यों सिस्टर? बहुत टेस्टी बनाते हैं, है ना सिस्टर? ये अभी खाऊंगा मैं, फिर दिखाऊंगा आप लोगों को टेस्ट कैसा है। इनके दुकान का लोकेशन दिखा दूं मैं आप लोगों को। ये मनी महल है, जो शादी वगैरह होता है यहाँ पे, इस एरिया का सबसे बड़ा महल है ये मनी महल। देखिए दोस्तों, ये मनी महल में कल ही शादी हुआ था, तो आज लास्ट जो नियम है वो पूरा कर रहे हैं लोग। शहनाई वगैरह बज रहा है, सुनाई दे रहा है आप लोगों को। ये एंडिंग में जो इनका नियम होता है वो करते होंगे, वही कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रेडी होके आ चुका है मेरा फिश कॉटलेट। अब मैं खाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसा है टेस्ट इसका। तो दोस्तों, एक बार मैं टेस्ट करके बताता हूँ आप लोगों को टेस्ट कैसा है। मस्त है, बहुत स्पाइसी है। हमारे यहाँ के कंपेयर में जितना यहाँ पे फिश मिला है, वो जिस रेट में उस रेट में कच्चा भी नहीं मिलेगा हमारे यहाँ। 50 रुपीज प्लेट, एटलीस्ट 250 ग्राम तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, 250 ग्राम होना चाहिए। बहुत भीड़ होता है दोस्तों यहाँ पे, काफी ज्यादा क्राउड होता है शाम के टाइम। आपको फिश लेना है तो कम से कम आधा घंटा एक घंटा आपको यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। अभी टाइम नहीं हुआ है, 5-6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, मछली खा के बहुत ही मजा आया, काफी टेस्टी था फिश, थोड़ा स्पाइसी मेरे लिए ज्यादा था, कोई बात नहीं, मजा आया लेकिन फिश में। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा लेके नहीं जाएंगे, एक छोटा सा वीडियो बनाने का दिल किया आप लोगों को, तो सोच लिया चलो आज यहाँ फिश कैसे बनाते हैं वो दिखा देते हैं, क्या कौन कौन से स्टाइल में। एक तो ये बता दिया मैंने, फिश कॉटलेट और एक फिश फ्राई, वो दोनों मिलता है और काफी टेस्टी होता है खाने में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना,
और वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। दोस्तों वीडियो को यही अंत करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।